उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 55 करोड़ की लागत से बनने वाले जिले भर के कई सड़कों का लोकार्पण आज कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने किया है। जैसा सांसद जी आप बताओ, आज जो लोकार्पण हुआ है, आज जो लोकार्पण हुआ सांसद जी, लोकार्पण के विषय में बताइए। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मौर्य जी ने ये उद्घाटन किया है वहाँ से लखनऊ से, और हम अपने अपने जिले में सभी एमपी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार का है। हम अपने योगी जी को धन्यवाद देते हैं, अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। जनता के जो काम नहीं हुए थे, जनता जो परेशान थी, रोड नहीं थे, रास्ते नहीं थे, और आज 2 साल के अंदर हमारी, अब ये उत्तर प्रदेश सरकार है, 2 साल के अंदर केंद्र सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। जितना बड़ा काम रोडों में हमारी सरकार ने किया है, रोड से कई आज स्कूल हैं, चाहे आप बिजनेस लगा लो, चाहे जो भी है, रोड के अलावा कुछ नहीं हो सकता। रोड होंगे तो सब काम अच्छे चलेंगे। तो मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं। मेरा जिला सबसे पिछड़ा हुआ था रोडों में, आज नंबर 1 है मेरा जिला। मैं बहुत बहुत योगी जी का धन्यवाद देता हूँ, माने अपने मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी से पूछ लेते हैं भाई, 355 करोड़ मिलाकर 55 किलोमीटर और 55 करोड़ और 355 किलोमीटर जो सड़कें थी उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, गड्ढा मुक्त हो रही है, उनका चौड़ीकरण हो रहा है और नवीनीकरण भी हो रहा है। अमरोहा की सड़कें और गड्ढा मुक्त कराया। एक मिनट बाइट जनों का है सभी के, इसमें अमरोहा भी सम्मिलित है, पूरा जनपद इसमें सम्मिलित है। अच्छा, आज जो ये हुआ, ये पूरे जिले का हुआ, लोकसभा क्षेत्र का? ये पूरे जिले, आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर विधानसभा की जितनी भी सड़कें हैं वो भी, और जिले स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम जो हो रहा है वो जिले स्तर पर हो रहा है, एक ही कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उस जिले के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं सबकी, जितनी भी सड़कें उसमें बन रही हैं उन सबका जो है यहाँ पे, उनको सबको, उसकी सभी गिनती जो है लिखा पड़ी में हो रही है।